जर्मनी में एक एवरेज स्टूडेंट के लिए स्टडी कंप्लीट करना कितना मुश्किल काम है, वो किस तरह कंप्लीट कर सकता है, और उसके बाद उसके सर्वाइवल के क्या चांसेस हैं या फिर फर्दर स्टे करने के क्या चांसेस हैं, तो आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारी वीडियो जो है वो दो पार्ट्स पे कंसिस्ट होगी। सबसे पहला पार्ट तो स्टडी के दौरान वाला एरिया, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं या किस तरह वो कर सकता है, और दूसरा ये कि स्टडी कंप्लीट होने के बाद जॉब या उसके फर्दर सर्वाइवल, क्योंकि हम नॉन EU कंट्री से आए होते हैं तो वीज़ा भी हमारे लिए एक मसला होता है कि उसको यहाँ पे सेटल कैसे होना है या लॉन्ग टर्म में कैसे रहना। अच्छा, इस स्टडी और सर्वाइवल पे पहले मैं ज़रा अपनी ओपिनियन देता हूँ, फिर ज़रा हम चैट GPT से भी पूछ लेते हैं कि उसका इस बारे में क्या ख्याल है। तो सबसे पहले तो एवरेज स्टूडेंट को डिफाइन कर लेते हैं कि एवरेज स्टूडेंट होता क्या है। तो एवरेज स्टूडेंट नॉर्मली हमें पता है कि उसको कंसिडर किया जाता है जिसके ग्रेड बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट नहीं होते या फिर बहुत ज़्यादा पुअर भी नहीं होते। एक आध सप्ली भी आ जाए तो उसको भी एवरेज कंसिडर कर लिया जाता है, लेकिन नॉर्मली उनके एवरेज स्टूडेंट की जो है वो सप्ली भी नहीं होती, लेकिन बहुत अच्छे ग्रेड भी नहीं होते। BC इन्हीं के दरमियान जो है वो ग्रेड्स चल रहे होते हैं, तो उसको हम एवरेज स्टूडेंट कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले इसमें, अच्छा ये पार्ट तो हो गया कि हम उसने एडमिशन कैसे लेना जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटी में, वो तो पूरी वीडियो मैंने बनाई हुई है ये वाली, ये टेक्निक्स यूज़ करके और ये वाले यूनिवर्सिटीज़ लो CGPA यूनिवर्सिटीज़। तो लेट्स सपोज के उसका एडमिशन हो गया, जो कि हो भी जाता है, तो उसके बाद की हम बात कर रहे हैं कि अब उसका स्टडी का मरहला शुरू हो गया जर्मनी में, अब उसको कैसे हैंडल करना है। अच्छा, लेट्स सपोज कि आपने जर्मनी में जो एजुकेशन अपनी ज्वाइन की, अपनी डिग्री ज्वाइन की, तो इनिशियल जो फ्यू वीक्स हैं दैट कुड बी चैलेंजिंग। मतलब अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम में आ रहे हैं तो ओब्वियसली फिर आपको कम्प्लीटली इंग्लिश देखने को मिलेगी, वो भी कम्प्लीटली न्यू एक्सेंट के साथ, तो दैट कुड बी चैलेंजिंग फॉर फ्यू वीक्स, बाद में आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आती जाएगी। अच्छा, इसके बाद एवरेज स्टूडेंट को जो अक्सर मैंने देखा है उनके अंदर जो है ना वो दो चीज़ें उनके अंदर, एक तो ये कि वो किसी खास डोमेन में अच्छे होते हैं, और दूसरा ये कि वो रट्टा जो है ना रट्टे से थोड़ा सा दूर होते हैं। ओब्वियसली अगर रट्टे के करीब हों तो हर चीज़ रट के वो अच्छे ग्रेड भी ले सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी कुछ रटे के बेस पे भी चल रहा होता है डिग्रीज में मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने देखा है। तो सबसे पहले डोमेन की बात करते हैं कि खास डोमेन में कैसे अच्छे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा, एक एवरेज स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, तो आप देखें कंप्यूटर साइंस में क्या कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। प्रोग्रामिंग आ रही होती है, डेटाबेस आ रही होती है, नेटवर्किंग आ रही होती है, एथिक्स के सब्जेक्ट भी आ रहे हैं, पाक स्टडी, इस्लामियात, फाइनेंशियल सब्जेक्ट भी ठोक रहे हैं, मार्केटिंग भी आ रही है, मतलब बहुत सारी डोमेन्स जो खासतौर पर बैचलर की डिग्री होती है वो काफ़ी सारी डाइवर्स होती है। एक फील्ड के अंदर ही बहुत ज़्यादा सब फील्ड्स होती हैं और फिर ये इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं। तो उसमें जहाँ तक मैंने देखा है वो किसी खास डोमेन में अच्छे होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोग्रामिंग में उनके बहुत अच्छे ग्रेड आ रहे होते हैं, लेकिन चूंकि दूसरे सब्जेक्ट से कम आ रहे होते हैं तो एट द एंड वो एवरेज पे आ जाते हैं। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये कि वो रट्टे के करीब इतना नहीं होता है, तो ये बात इनको यहाँ पे प्लस करेगी जर्मनी में कि यहाँ पे रट्टा जो है ना वो काफ़ी कम है, ख़त्म तो नहीं है लेकिन काफ़ी कम है। ये कि आप इवन एग्ज़ाम में जाते हो तो आप चीट शीट लेके जा सकते हो, कम्प्लीटली टीचर्स अक्सर अलाउ करते हैं कि 2-3 पेजेस आप इवन लिख के आ सकते हो, लेकिन वो चूँकि कंसेप्चुअल होते हैं, आपने अगर समझा हो तो तभी आप उन हैंड आउट्स का, उन फार्मूलाज का को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अदरवाइज फिर नहीं होता। तो एक तो ये अच्छी बात हो गई कि रट्टे से आप थोड़ा सा दूर हो गए, और एवरेज स्टूडेंट को अक्सर चाहिए भी यही होता है कि कंसेप्चुअल वो थोड़े से अच्छे होते हैं, तो रट्टे वाला काम ख़त्म हो गया। और दूसरा ये कि डोमेन में आप अक्सर यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं वो मास्टर्स के लिए आते हैं, तो डोमेन जो है वो ऑलरेडी काफ़ी हद तक स्पेसिफिक हो चुकी होती है। तो ये दोनों तो हो गए प्लस पॉइंट यहाँ पे कि एवरेज स्टूडेंट यहाँ पे ओवरऑल अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और दूसरा इसमें यह कि फ्लेक्सिबिलिटी मुझे बहुत पसंद है यहाँ की ना, फ्लेक्सिबिलिटी पाकिस्तान से वैसे मैं कंपेयर क्यों कर रहा हूँ, नहीं करते कंपेयर, यहीं की बात करते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी ये कि बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मैंने देखी है और मुझे ये चीज़ पसंद भी है। मतलब स्टूडेंट की भी इज्जत करते हैं यहाँ पे, वो ऐसे कि आपके पास चॉइस होती है, चॉइस ये कि एक एग्ज़ाम हो रहा है, आपने वो एग्ज़ाम देना है या नहीं देना आपकी चॉइस है। और दूसरी ये बात कि उस डेट पर, जिस डेट पर आपकी फ़र्स्ट अटैम्प्ट है, आप वो भी दे सकते हैं, वो आप नहीं देना चाह रहे, आप नहीं तैयार हो तो कोई मसला नहीं, 1-1.5 महीने के बाद एक दूसरी अटैम्प्ट होगी, आप वो अटैम्प्ट कर सकते हो, तो आप उसमें पास कर सकते हो। इसी तरह ये हो जाता है कि डाइवर्सीफाई हो जाता है आपका जो काम है ना, आप कुछ सब्जेक्ट्स को पहले क्लियर कर देते हो और फिर 1-1.5 महीने के बाद फिर दूसरी अटैम्प्ट दे के क्लियर कर सकते हो। अगर दोनों अटैम्प्ट भी क्लियर नहीं होती, दोनों आप अटैम्प्ट करते हो और दोनों फेल हो जाती हैं, तब भी कोई मसला नहीं, आप अगले साल फिर वो सब्जेक्ट ले सकते हो। तो इसमें ओवरऑल नॉर्मली इसमें 3 अटैम्प्ट होती हैं नॉर्मल केसेज में, अब या 3 अटैम्प्ट में तो हो ही जाता है, मतलब एवरेज स्टूडेंट भी ये तो कर ही लेगा। अच्छा, इसमें एक और बात भी वर्थ मैंशनिंग कि आपने अगर मास्टर्स आप कर रहे हैं तो लाजमी नहीं है कि आप 2 साल के अंदर ही करें, या बैचलर कर रहे हैं तो लाजमी नहीं है आप 3 साल के अंदर ही करें। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, आपको कोई और मसाइल आ रहे हैं, या जॉब साथ में चल रही है, या आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो आप ये थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने स्टूडेंट्स को देखा है 2 साल में नहीं भी करते तो भी इट्स फाइन, 5 सेमेस्टर लग जाएँ, 6 सेमेस्टर, जब तक आप
काबिल ना हो जाएं इसके या उसको क्लियर ना कर लें, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है और आपका वीज़ा एक्सटेंड होता रहता है इस लिहाज से। लेकिन इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप जितना जल्दी हो वो कंप्लीट करें। अच्छा, जिस टाइम पे आप स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो यूनिवर्सिटी आपके लिए एक ढाल है, यूं ये यूनिवर्सिटी है ऊपर ये, और नीचे इधर आप बैठे हैं, यूनिवर्सिटी ऊपर तीर खा रही है और आप नीचे बैठे हैं, वो एक मीम है ना। तो इसमें ये है कि देखें, आप जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदे भी मिल रहे होते हैं, जिस तरह आप अकोमोडेशन जो है वो डिस्काउंट रेट पे मिल रही होती है, हेल्थ इंश्योरेंस के कम पैसे दे रहे होते हैं, तो इस तरह जो है ना आपको, और वीज़ा का भी यहाँ पे मसला नहीं होता। मतलब आप स्टूडेंट हैं, जब तक आप स्टूडेंट हैं वीज़ा आपका वैलिड है, नहीं तो आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं अगर थोड़ा उसकी तरफ एक्सटेंशन, डिग्री एक्सटेंशन की तरफ जाते हैं। मतलब आप एक तरह से सिक्योर हैं एज़ कम्पेयर टू जॉब, क्योंकि जब जॉब पे आप जाएंगे तो क्या होता है, आपके पास या तो वर्क परमिट होता है या आपके पास ब्लू कार्ड होता है, तो उसमें अगर आपके पास जॉब चली जाए तो 3 महीने या 6 महीने होते हैं आपके पास नई जॉब सर्च करने के लिए, तो वहाँ थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा लंबी ड्यूरेशन होती है, आप बैचलर को देखें या मास्टर्स को देखें, तो ये एरिया होता है, ये टाइम होता है ग्रो करने का, ये अपने आप को बेहतर करने का, अपने आप को वैल्यूएबल करने का मार्केट के लिहाज से जो भी आपके ऑब्जेक्टिव हों, तो ये वाला सुनहरा एरिया है जिसमें आप प्रोटेक्टिव होते हैं और आपने इसके अंदर रह के अपने आप को तैयार करना है दुनिया का मुकाबला करने के लिए, मार्केट का मुकाबला करने के लिए। अच्छा, सेकंड पार्ट पे चलते हैं, सर्वाइवल पे, इसको बस जल्दी शॉर्ट रखते हैं। सर्वाइवल का ये है कि देखें, आपने डिग्री कंप्लीट कर ली, उसके बाद देखें एवरेज स्टूडेंट थे आप, डिग्री आपने लेट्स सपोज 4 सेमेस्टर मास्टर्स की डिग्री 2 साल में 2.5 साल में आपने कंप्लीट कर ली, और उसके बाद आप मार्केट की तरफ आप देख रहे हैं, तो अब आपके पास जब डिग्री आप कंप्लीट करते हैं तो आपको एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको 18 मंथ्स का जॉब सर्च वीज़ा मिलता है। तो मतलब एक और अपॉर्चुनिटी, देखें एक तो आप स्टडी के दौरान ही होपफुली अपनी टेक्निकल जॉब रिलेटेड कुछ कर रहे होंगे, इंटर्नशिप्स वगैरह आपने कर ली होंगी, तो अब आप इस काबिल होंगे कि फुल टाइम जॉब की तरफ जा सकें। लेकिन लेट्स सपोज आप नहीं काबिल अभी तक, आप एवरेज थे तो अभी तक भी एवरेज में ही चल रहे हैं, वैसे आप एवरेज से ऊपर का लेवल पर आ जाएँ, लेकिन ये अब एक और अपॉर्चुनिटी आपके पास आ गई 18 महीने की, जिसमें आपने अब आपने फुल टाइम जॉब जो है वो हासिल करनी है, तो ये आखिरी अपॉर्चुनिटी है। अब इसके बाद अगर 18 मंथ्स में भी अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो फिर जर्मनी वाले कहते हैं अल्लाह हाफिज़, आप ज़रा अपने कंट्री तशरीफ ले जाएं, हमें जो है ना आपकी ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे होता है कि देखें आपको इस ड्यूरेशन के दौरान आपको जो अपनी फील्ड रिलेटेड है, जो स्टडी रिलेटेड है, वो जॉब हासिल करनी होती है। तो आई थिंक इस ड्यूरेशन में तो आप हासिल करनी भी चाहिए, और ये कंडीशन जर्मनी की अच्छी भी है कि आप बजाय इसके के किसी और जॉब या उस पर वीज़ा नहीं एक्सटेंड होता मोस्ट ऑफ द केसेस, आपको अपनी फील्ड रिलेटेड जॉब ही हासिल करनी है। तो लेकिन अगर आप ये भी तो देखें, मास्टर्स या बैचलर्स के आपने कोई 2-3-4 साल जितने भी लगाए, उसके बाद फिर ये जॉब सर्च वीज़ा भी मिला, अगर आप इस इतने लंबे अरसे के दौरान भी अगर आप फुल टाइम जॉब हासिल नहीं कर सकते, तो सैडली आई वुड से कि फिर आप जर्मनी के लिए नहीं बने, क्योंकि इतने अरसे में तो आसानी से हो जाता है कोई भी एक बंदा, जो अक्सर लोगों को मैंने देखा वो 6 महीने की इंटर्नशिप के बाद फुल टाइम जॉब के लिए जो है वो काबिल हो जाते हैं और हासिल करते हैं। तो और ये जो सारी मैंने बयान की है थोड़ा सा वर्स्ट केस में था, एवरेज स्टूडेंट के लिए या बिलो एवरेज के लिए। अगर मैं एक्सीलेंट या थोड़ा सा अबव एवरेज की बात करूँ तो वो ये होता है कि स्टूडेंट्स अपने जैसे ही 2 साल का मास्टर्स के एंड पे पहुंचते हैं तो उनको उसी वक्त जो है वो जॉब हासिल कर लेते हैं, इवन उनका एक तरफ थीसिस चल रहा होता है और दूसरी तरफ फुल टाइम जॉब भी स्टार्ट कर देते हैं, तो ये बेस्ट केस ही है। लेकिन एज एन एवरेज भी आप देखें तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी पढ़ाई के दौरान भी, और उसके बाद ये जॉब सर्च वीज़े की ड्यूरेशन में भी, तो ज़्यादा अर्सा नहीं लगना चाहिए, और इसमें जो है ना वो इस ड्यूरेशन के दौरान ही आप फर्दर सेटलमेंट या फर्दर जो सर्वाइवल है उसके लिए आप रेडी हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो चलो हो गई, अब ज़रा चैट जीपीटी से भी पूछ लेते हैं कि चैट जीपीटी का इस बारे में क्या ख्याल है। कैन एन एवरेज स्टूडेंट सर्वाइव इन जर्मनी, बताओ भाई क्या सीन है। तो चैट जीपीटी कहता है कि यस एन एवरेज स्टूडेंट कैन सर्वाइव इन जर्मनी, जर्मनी हैज़ वेल एस्टैब्लिश एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, कॉलेजेस ऑफर क्वालिटी एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, एंड वर्थ नोटिंग दैट जर्मनी स्टैंडर्ड्स कैन बी क्वाइट हाई, वर्क लोड कैन बी डिमांडिंग, ये तो है, वर्क लोड तो होगा देर, लेकिन आप तरक्की भी उसी वक्त में करते हो जब आपके ऊपर प्रेशर होता है, आपको कुछ करना होता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट टू बी डिसिप्लिन, फोकस एंड कमिटेड टू देयर स्टडीज ऑब्वियसली, एडिशनली जर्मनी कैन बी एक्सपेंसिव कंट्री, तो कह रहा है साथ में जॉब भी करो और इंडस्ट्री रिलेटेड करो तो और अच्छी बात है, पैसे भी आएंगे और साथ में आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा। ओके, ओवरऑल विद द राइट माइंडसेट, प्लानिंग एंड सपोर्ट, एवरेज स्टूडेंट कैन थ्राइव इन जर्मनी एंड एंजॉय द जर्मनी बेनिफिट्स ऑफ स्टडीइंग इन दिस एक्साइटिंग एंड वाइब्रेंट कंट्री। तो ये हो गया, तो ये थी सारा कुछ, एंड आई होप दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट करें, एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, जो कि ये आ रहा है।
तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। गुड बाय।